आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मंदी हाउसेस सेकंड ब्रांच की ओपनिंग, जो कि ओपन हुआ है सुपर हाईवे पर। और ये इतना बड़ा और ग्रैंड रेस्टोरेंट बनाया है, जब आप इसे इंटर होंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और यहाँ पर अब अरबिक कुजीन के अलावा यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त खाने मिलते हैं जो कि देसी होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको मिलेंगे कढ़ाई और हांडिया भी, जो कि इनकी स्पेशलिटी है। और साथ में बच्चों के लिए यहाँ पर आपको फास्ट फूड भी मिलेगा। तो चलें इस रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं, आपको दिखाऊंगा यहाँ पर रेस्टोरेंट का अंदर का एनवायरनमेंट और उसके अलावा यहाँ पर फूड किस तरह से तैयार की जाती है, उनकी प्राइसेस के साथ ही मैं इसकी लोकेशन भी बताऊंगा। तो चलें वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं मंदी हाउस में इंटर हो चुका हूँ और यहाँ पर इंटर होते के साथ ही इतना अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा जो आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा जेंट्स का सिटिंग एरिया है जो कि बिल्कुल एक अरबिक स्टाइल में बनाया गया है कि आप नीचे कारपेट पर सिटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से अरबिक कुजीन खाते हैं उस टाइप का। और उसके बाद जब आप सेंटर की सिटिंग एरिया देखेंगे वो बहुत ज़बरदस्त और यूनिक टाइप का इन्होंने बनाया, बिल्कुल एक अरबिक रेस्टोरेंट का जिस टाइप का होना चाहिए उस टाइप का। एक ऊपर बहुत ही यूनिक सी अम्ब्रेला है खूबसूरत सी, और नीचे टेबल और चेयर रखी गई है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और उसके बाद एक 3 फ्लोर का सिटिंग एरिया जो कि इन्होंने स्पेशली रखा है फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि लोग ज़्यादातर अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और उन्हीं के लिए ज़्यादा स्पेस दी गई है ताकि आप ग्राउंड के अलावा फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर भी बैठ के अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ के खाने इन्जॉय कर सकते हैं। तो भाई रेस्टोरेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये है यहाँ का फैमिली एरिया जो कि 3 फ्लोर है, जिसके एक ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे आप नीचे बैठ के सिटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर एक रूफ टॉप भी मौजूद है। और उसके अलावा मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर प्रेयर एरिया भी मौजूद है जो कि बहुत कम रेस्टोरेंट में होता है। और इसके अलावा जेंट्स एंड लेडीज वाशरूम भी है। तो चलें यहाँ का मैं आपको फैमिली का एरिया दिखाता हूँ जो कि सिटिंग अरबिक स्टाइल का है। तो दोस्तों सिटिंग एरिया जैसे कि आपने देखा है कितना सबस है, अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो इनका किचन एरिया है। और आप किचन एरिया इनका देखें कितना ह्यूज है, जाहिर है इतने ज़्यादा जब इनके गेस्ट आएंगे, इतने ज़्यादा इनके कस्टमर आएंगे तो उनको कैटर करने के लिए एक बड़े साइज़ का किचन होना चाहिए। और ये किचन ना सिर्फ बड़ा है साइज़ में, बल्कि इधर जितने भी खाने तैयार किए जाते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका मेन्यू बहुत बड़ा है। और उसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर हाइजीन का बहुत ख्याल रखा गया है, यहाँ पर सफाई आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप देखना चाहें कि यहाँ पर खाना किस तरह तैयार होता है अपनी आंखों से, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। अब ऐसा करते हैं कि हम अपनी सिटिंग लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा मैंने यहाँ पर क्या ऑर्डर करा है। हमने हमारी सिटिंग एरिया ले ली है और मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने ऑर्डर में क्या दिया है। जो मैंने ऑर्डर दिया है वो मैंने खास तौर पे जो इन्हें न्यू आइटम लॉन्च करे हैं, जिसमें खास तौर पे इनकी हाईवे वाली कढ़ाई है जो कि इनकी स्पेशलिटी है, उसके अलावा हांडी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उससे मेहनत करी है और बहुत उसको जायकेदार बनाया है, तो वो टेस्ट करना चाहेंगे। और मंदी तो जैसी बात है मंदी हाउस आए तो मंदी तो हम मंगवाएंगे और कुनाफा भी। तो ये इनका सिटिंग एरिया है, लेकिन मैं इधर नहीं बैठूंगा, आपको मैं खाना खा के बताऊंगा जो इनका अरबिक स्टाइल का सिटिंग एरिया है उस पर।
तो दोस्तों हमारे सभी फूड आइटम तैयार होके आ चुके हैं और इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। हमने जो खास तौर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मंगवाई है जो इनकी चिकन मदबी है, उसको मंगवाया, काफ़ी स्पाइसी सी होती है और लोग इस टाइप की मंदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो इनकी न्यू फूड आइटम है, जिसमें खास तौर पे इनकी मखनी हांडी है, वो हमने मंगवाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सिजलिंग है और इसमें से इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है जब इसको ओपन करा है। और यहाँ पर खास तौर पे मटन शिनवारी कढ़ाई भी मौजूद है जो कि इन्होंने न्यू लॉन्च करी है, और उसके अलावा हमने सैलड्स भी मंगवाई हैं। तो चलें सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट करते हैं हम इनकी ये चिकन मदबी को, और आपको इसके टेस्ट के बारे में बताऊँगा कि कैसा इनका टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मंदी हाउस की इस मंदी के बारे में बोलना चाहूँगा कि वाकई में जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। जो एक ऑथेंटिक मंदी का होना चाहिए वो इसका जायका है। जो इसके राइस है उनकी क्वालिटी A1 आउट क्लास है, और उसके अलावा जो ऊपर से इन्होंने चिकन ऐड करी है, उसके स्पाइसेस या चिकन का मीट बिल्कुल एक हाई स्टैंडर्ड का है। तो यहाँ की जो मंदी बिल्कुल आउट क्लास है। अब हम टेस्ट करेंगे जो इन्होंने न्यू लॉन्च करी है, जो इनकी कढ़ाई है उसको। ये यहाँ के देसी आइटम इन्होंने रखे हैं, क्योंकि जब हाईवे पर आएंगे तो मंदी हाउस के अरबी कुजिन्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो हाईवे की स्पेशलिटी होती है, जो कढ़ाई होती है, वो आपको यहाँ पर लाजमी मिलेगी। इसको मैंने ओपन करा है, और ओपन करते के साथ ही कितनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू उठती है, वो बहुत ज़बरदस्त है। एक जो कढ़ाई की होनी चाहिए वो है ये। तो इसको टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मुझे यहाँ की कढ़ाई खा के मज़ा आ गया। मैं काफ़ी अरसे से एक ऐसी कढ़ाई को सर्च कर रहा था जो कि टेस्ट में बहुत लाजवाब हो, और जो कढ़ाई की क्वालिटीज़ होती हैं, कढ़ाई की जो स्पाइसेस होते हैं, उनके मेयार पे पूरी उतरती हो। तो ये वाकई में वही कढ़ाई मुझे आज मिल गई है, जिसमें आपको स्पाइसेस बिल्कुल बैलेंस मिलेंगे, टेस्ट भी आपको हाई क्लास मिलेगा, और जो इनका मीट है मटन का वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ की कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, कढ़ाई के बाद अब नंबर आता है इनकी मखनी हांडी का। ये देखने में आपको बहुत लाजवाब लग रही होगी, क्योंकि बहुत सिजलिंग और ज़बरदस्ती है। तो इसको टेस्ट करते हैं। मंदी हाउस में आपको कढ़ाई और हांडीज़ की काफ़ी बड़ी वैरायटी मिल जाएगी, जैसा कि आपने मेकिंग के टाइम पे भी इसको देखा। तो टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई, यहाँ की ये मखनी हांडी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी है, और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा है। इसको जब आप खाएंगे, इसकी पहली बाइट लेंगे, तो चिकन जो इसकी है फ़ौरन से मुंह में घुल जाएगी, और उसके अलावा आपको इसमें टेस्ट आएगा बहुत ही हाई क्वालिटी का बटर का। तो यहाँ की ये मखनी हांडी बहुत लाजवाब है। मंदी हाउस के सभी आइटम मुझे बहुत लाजवाब लगे, चाहे इनकी जो अरबी कुजींस है उस चीज़ में मंदी मौजूद है वो हो, या उसके अलावा इनकी मखनी हांडी या कढ़ाई हो, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के आके इनके मंदी हाउस के हाईवे वाली ब्रांच पे आए, तो आपको ये सभी खाने मिलेंगे, जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, लेकिन टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, जब आप इसको एक दफ़ा खाएंगे तो आपको हमेशा के लिए यादगार रह जाएगा। और रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी बहुत आउट क्लास है। तो फिर इसी के साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।